हाय गाइस, मैं हूँ अदनान हबीब और आप देख रहे हैं वेब गॉड, जहाँ आप सीख सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत कुछ। तो ये चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, और जैसे हम नोटपैड ओपन करते हैं तो आप देखेंगे हमने जहाँ से कल एंड किया था, आज हम इसे दोबारा शुरू करते हैं। कल हमने सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट में दूसरे पेज का लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं, ये लिंक हमारे पास है फर्स्ट पेज में। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें सेकंड पेज की तरफ ले जाता है। आज हम सीखेंगे इस सेकंड पेज से वापस हम कैसे फर्स्ट पेज में जा सकते हैं। इसके लिए हम अपने नोटपैड में वापस चलते हैं, यहाँ से अपने सेकंड पेज में चलते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिंपल सा काम आपको ये करना है कि यहाँ आपने लिखना है ए और यहाँ पर भी क्लोजिंग टैग ए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ आपने लिखना है HREF इज इक्वल टू, और यहाँ आपने फर्स्ट पेज का नाम लिख देना index.html, index.html। ऐसे हम इसको सेव करते हैं और दोबारा अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा लिंक आ चुका है, ये हमारा सेकंड पेज। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमें फर्स्ट पेज पर ले आता है, फर्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं सेकंड पेज में, सेकंड पेज से क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट पेज। बेसिकली आज मैं आपको सिखाने वाला था कि फर्स्ट एक ही पेज में, सेम पेज में हम लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं उसी पेज के डिफरेंट सेक्शन में पहुँचने के लिए। हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से मैंने अपनी वीडियो को कट किया और कट के इस दौरान मैंने एक पेज बनाया जिसके मुख्तलिफ सेक्शन है। हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में हम इजीली देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ सेक्शन है, गैलरीज, थीम एलिमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डिज़ाइनिंग, डायग्राम, सेट कमांड, थीम गैलरीज और पेज लेआउट वगैरह। तो अगर हमारी वेबसाइट में किसी कॉन्टेक्ट में मैं चाह रहा हूँ कि मैं डायग्राम पर जाना चाहता हूँ, तो मैं आऊँगा नीचे, यहाँ से स्क्रॉल करूँगा और फिर जाके मैं यहाँ डायग्राम तक आऊँगा। तो ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ फ्रंट पर एक लिंक हो जिसमें मैं क्लिक करूँ और डायग्राम तक पहुँच जाऊँ। तो चलते हैं हम अपने नोट पैड में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने बिल्डिंग्स डायग्राम्स कहाँ थे, ये डायग्राम्स है। तो डायग्राम्स हम लिख देते हैं ए, और इसके दरम्यान इन टैग्स के दरमियान में हमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये एक डेस्टिनेशन है जिसे हमें जस्ट क्लोज करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं नेम, हम यहाँ एट्रीब्यूट नेम दे देते हैं नेम, यहाँ हम लिख देंगे डाया। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने नेम लिखा है इसे कहते हैं एट्रीब्यूट, और जो हमने क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखा है इसे हम कहते हैं वैल्यूज। तो फिर बताता चलूँ जिस नेम लिखा है हमने इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट, और ये जो दरमियान में हमने डाया लिखा है कोटेशन मार्क के अंदर इक्वल के साइन के बाद इसे हम कहते हैं वैल्यू। तो चलते हैं हम अपने पेज के ऊपर और यहाँ हम लिख देते हैं ए, इसमें हम लिख देते हैं डायग्राम सेशन, डायग्राम सेक्शन, और यहाँ हम लिख देते हैं उसका लिंक जो हम नीचे लिख के आए थे, यहाँ पर लिखेंगे एट। और पहले जो था हम किसी पेज का लिंक देते थे तो हैश टैग नहीं लगाते, तो अब हमें हैश टैग लाजमी लिखना क्योंकि हम एक सेम पेज पे काम करें। हम यहाँ हैश टैग लगाएंगे और हम उस नाम लिख देंगे जो हम देख के आए थे नीचे डाया। यहाँ से इसको सेव करते हैं और अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ के हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारा लिंक आ चुका है, जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये हमें डायग्राम्स पर ले आता है। इट्स टू इजी, कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे इजीली कंटेंट पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ से हम इसे जस्ट एक क्लिक के ऊपर वो आपके एग्जैक्ट उसी डायग्राम पर पहुँच जाएगा जहाँ वो पहुँचना चाहता है। तो एक अच्छा इंप्रेशन पैदा होता है एक अच्छी वेबसाइट का।
हम एक और बना देते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स पे पहुंचना है या डिज़ाइनिंग पर पहुंचना है, तो चलते हैं अपने नोटपैड में, तो यहाँ लिख देते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर एक और यहाँ लिख देते हैं, तो उसके अंदर भी हम लिखेंगे नेम और यहाँ हम लिख देते हैं बी बी बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट आपने यहाँ पे एक रेफरेंस देना। तो हम इसे इंटर प्रेस करते हैं, दोबारा यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ हम लिख देते हैं बिल्डिंग ब्लॉक सेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स सेक्शन, बिल्डिंग ब्लॉक सेक्शन, जहाँ हम उसका लिंक दे देते हैं। यहाँ हमने लिखा था BB #, BB यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। दोबारा अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा दूसरा लिंक भी आ चुका है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स पर ले आता है। तो आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं अपने सेम पेज के अंदर, तो यहाँ से बस एक क्लिक के ऊपर वो हमें वहाँ ले जाएगा। तो यहाँ यूज़र को कोई मुश्किल पेश नहीं आएंगी डायग्राम तक पहुँचने के लिए, या वो चीज़ जहाँ से वो सर्च करना चाहता है, तो ये एक यूज़र के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये एक सीधी लाइन में, अगर चाहे तो आप इसको यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं BR, जो पहले मैंने आपको कमांड बता चुका हूँ, BR स्पेस स्लैश, यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ अपने क्रोम ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए नीचे आ चुका है। तो यहाँ जब डायग्राम पे क्लिक करते हैं तो हम डायग्राम तक पहुँच जाते हैं, और अगर यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक सेक्शन पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम बिल्डिंग ब्लॉक तक पहुँच जाते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।